भीड़ मैं तभी देख रहा हूँ इतना ज़्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है, ये रीजन है, इसमें अलग ही स्वाद है। घर में आपके लोग यहीं के समोसा जलेबी खाते हैं? अच्छा शाम को अपने आप ही यहाँ तो मेरा अंकल ये करता अंकल वो करता अंकल मुझ परेशान हो जाते चार साल से। कैसे लगते समोसा? बहुत बढ़िया। और क्या क्या खाया अंकल जी? क्या और ब्रेड पकौड़ा खाया है और जलेबी खाई है। मुझे अपने 17 साल हो गए समोसा से भी हो गया। हमारे पकौड़े में कभी तेल नहीं मिलेगा तो इस तरीके से मतलब इतना नहीं लगता कि बहुत सारा चीनी इसमें है। आराम से खाओ आधा किलो चीनी जितने भी खा जाओ पता ही चलेगा। कहीं भी जाए खाते हैं हम लोग तो देखते सफाई है या नहीं है, तो यही है कि अपने खुद भी खाओ गोरों को खिलाओ बढ़िया खिलाओ साफ खिलाओ ताकि कोई बीमार ना पड़े। चाहे गोरों को चीज़ महंगी बेचो लेकिन ये है कि अपने साफ सफाई से बेचो। मुझे यहाँ पे 17 साल हो गए 2004 11 फरवरी। हाँ जी हाँ जी बाजार पर लंगोटिया यार। अच्छा ओ लंगोटिया यार है आपके। इनका नाम प्रेम कश्यप है। अच्छा पिछले 8 सालों से मेरे पास ये एक दोस्त की बाकी एक मालिक की बाकी यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं कभी यही कहता हूँ ये मेरे पास काम कर रहा है। अच्छा अच्छा मालिक यही है ये कर रहा है तो मैं खा रहा हूँ। मैं असल में राजस्थान से रहने वाला हूँ। राजस्थान हमारे पड़दादा जो हैं आज से करीब करीब 80 साल पहले दिल्ली में आए थे। किसान हैं गांव में खेती बाड़ी है लेकिन वो सब अपने भाइयों को दिया है वो। अच्छा अच्छा और बस ये है कि पहले मेरा काम सिलाई का था जो मैंने किया 20 साल लोगों की सेवा की कपड़े पहनाए। और अब जब काम कम हो गया रेडीमेड की वजह से तो 2004 से फिर मैंने काम स्टार्ट कर दिया। मेरा शौक भी था अब मेरी हॉबी बन गई है अब पैशन हो गया। चलो भी अपने आप यही धंधा है खाने पीने का। ये हम मिर्ची है हम बड़े पाव के लिए कचरी जो कि बड़े पाव में डाली जाती है ये बेसन की बनती है ये और बाहर निकालिए। ये आलू का बड़ा है बड़ा ये हमारे बड़े तैयार हो चुके हैं पकौड़े चले जा रहे हैं। बटे बनेंगे बटा अभी डालते हैं बटा डाल दे कितने जी बटा तो अंकल जी आप ये बताइए हमारे आपकी जर्नी कहाँ से और कब से स्टार्ट हुई है? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 2004 से मेरा काम सिलाई का था और उस दौरान रेडीमेड ने काफ़ी अपने हाथ में पसार लिए थे। अच्छा अब हमारे ससुर जो हैं हलवाई अब कहते हैं बेटा इस काम में कुछ रखा नहीं तो आप ये वाला काम सीख लो। अब क्योंकि कि मैं घर में होली दिवाली अपने पकौड़े बनाया करता था ठीक ठीक शौक भी था मज़ा भी आता था बनाने में भी और खाने में भी। अच्छा फिर कुछ उनसे सीखा समोसा बनाना ससुर भी हैं उस्ताद जी भी हैं जली भी उन्होंने मुझे सिखाई। बाकी जो पकौड़े हैं ब्रेड पकौड़े हैं वो तो घर में करते करते सबको आ ही जाते हैं कि कोई ऐसा भी इंसान हो। फिर धीरे धीरे जो फिर करते रहे करते करते थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ हाँ साफ होता रहा। आज का ये टाइम है कि बस लोग करते हैं इंतजार है मेरा कि भाई आएंगे और मिलेंगे। बस ये है कि अपने बस सेम पास नहीं आप इस काम से सेटिस्फाइड हो? हाँ इससे बहुत खुश काम से बहुत खुश हो क्योंकि पहले अकेला काम करता था सप्लाई का अब मेरे पास मेरा भाई भी काम करता है तो मेरा घर भी चल रहा है और मेरे भाई का भी काम चल रहा है दो पेपर चल रहे हैं इससे।
खाने कोई टाइम टेबल नहीं, मुझे कब से खाने समोसे 2004 में अच्छा जय मैंने कम लगाया था दो चार के अंदर हमारे बच्चे। उसके बाद 2007 में मैं आया हूँ तब से यहाँ पे खा रहा हूँ। अंकल जी क्या हो गया भाई 1.5-2 साल। और टेस्ट कैसा? लाजवाब, बढ़िया। घर में आपके लोग यहीं के समोसा जलेबी खाते हैं? जी खाते हैं भाई। बढ़िया जी, अच्छा अच्छा। अंकल जी मैं तो काफ़ी साल हो गए भाई, कम से कम हो गए 10 साल से इनको देख रहा हूँ। 10 साल की 10 साल। और कैसा लगता है टेस्ट इनका भाई? टेस्ट होता जब भी तो आते हैं। अरे हम तो भाई बचपन से ही अभी तो बहुत जल्दी आ गए, रात शाम को आना। अच्छा शाम को अपने आप ही यहाँ तो मैंने अंकल अंकल ये कर दो अंकल वो कर दो अंकल खुद परेशान हो जाते हैं। आ जाओ दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी भीड़ लगने शुरू हो गई। अंकल जी क्या काफ़ी सारे लोग आते हैं, मतलब सुगंध यहाँ फैलते ही और भीड़ लगने शुरू हो जाती है। ओके एक नंबर ऐसे ही ओके है। 500 समोसे दियो। अच्छा वैसे अभी दे रहा हूँ जी, वो जी पैक कर दो या बांटने खाओगे? बांटने बांटने ठीक है, बहुत जल्दी करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी जो सुगंध जो है फैलते ही ना भीड़ आने शुरू हो गई है। आप देख सकते हो दूर दूर तक गाड़ियाँ खड़ी होने शुरू हो गई हैं। और अंकल जी क्या देखो, अंकल जी की हाथों की स्पीड आप देखो। ये हमारे लिए समोसा लगने शुरू हो गया, मसाला अंकल जी ने डाल दिया। अच्छा मसाला आप में आप कौन सा यूज़ करते हैं? मसाला हम खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं, ये सौंठ है। अच्छा, जो कि बिना फ्रिज के अगर 1 महीने भी अगर बाहर रहे तो ये सौंठ जल्दी ख़राब नहीं होगी। ये प्योर अमचूर की बनती है। हमारा समोसा तैयार हो गया, इसको टेस्ट करते हैं। एक अभी एक वड़ा पाव हमारे लिए अब जलने जा रहा है। ये देखो अब समोसा ख़त्म भी हो गया, दूसरा समोसा की राउंड शुरू हो गया। और ये लगा दो आपके लिए भी वड़ा पाव लगा दो। हाँ लगा लीजिए। और वड़ा पाव भी हमारा गर्म हो रहा है, गर्म तो पहले से था, हल्का सा ठंडा हो गया था। वड़ा पाव में क्या डालते हैं? टिक्की डालते हैं समोसा? ये बड़ा होता है, ये बड़ा होता है आलू का। हमारे पकौड़े में कभी तेल नहीं मिलेगा, क्यों? इस तरीके से भाई अब समोसा जो टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? समोसा पूरी चटनी से लबाल लेस और उसमें मीठी चटनी सारी चटनी। क्रिस्पी गजब की भीड़ में तभी देख रहा हूँ, इतना ज़्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है, ये रीज़न है। इसमें अलग ही स्वाद है। भाई अब तो खाने का मन ही नहीं कर रहा, समोसा पहले खा लेते हैं यार। समोसा ही गजब का है। जलेबी देख, मेरी क्रिस्पी जलेबी ना, मतलब इतना नहीं लगता कि बहुत सारा चीनी इसमें है। आराम से खाओ, आधा किलो चीनी जलेबी खा जाओ, पता नहीं चलेगा जलेबी का। आपको जो मेन चीज़ है पूरा मसाले की लेयर इसमें लगी हुई है चारों तरफ, और उसका टेस्ट तो भाई बॉम्बे की याद दिला दिया। हरी मिर्ची
अरे जी प्राइस क्या क्या है? मेरे पास समोसा है जिसका प्राइस 10 रुपये है, ब्रेड पकौड़ा है उसका प्राइस 15 रुपये है, वड़ा पाव है वही 15 रुपये का है, जलेबी 40 रुपये की एक पाव है। वो महंगी इसलिए कर दी है कि रिफाइंड जो है वो कम से कम ढाईगुना महंगा हो गया है। अब मैं कोई घसा तो दूंगा नहीं। नहीं, चलिए धन्यवाद भाई, टेस्ट तो आसम था आपका। आपको इस दुकान का लोकेशन मैं दे दूंगा और नियर बाई ज़्यादा दूरी पे हैं, आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन या आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन जाओगे और ये जो रोड है आपका मजलिस पार्क साइड जाती है, मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन, इसी बीच में टी पॉइंट है जहाँ पे अंकल जी लगाते हैं दुकान अपनी। आपको लोकेशन एग्जैक्ट यहाँ की दे दी जाएगी और अंकल जी को आप देख सकते हो भाई। भीड़ देखो आप दुकान पर,